नमस्कार, BITDR में एक बार आपका फिर से स्वागत है। प्रिय मित्रों, बहुत खुशी की बात है कि पिछले कुछ दिनों से आपका सवाल जवाब इंटरेक्शन मेरे से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं या जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि पूछी जाएं, वो आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है और मैं बड़ा गर्व अनुभव कर रहा हूँ, बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपको जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे जवाब आपको मिल पा रहे हैं, बहुत सारे नहीं मिल पा रहे हैं। आप इसी तरह से मुझसे कम्युनिकेशन जारी रखिए। आज मैं इसी के रिगार्डिंग एक बात और करना चाहता हूँ कि कुछ बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बड़े एक्सक्लूसिव हैं, जिसके जवाब देने में मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो बहुत बेसिक हैं। तो मैं चाहता हूँ, चाहे आपने कोई भी पढ़ाई की हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, नॉन ग्रेजुएट हैं, BTech हैं, टेक्निकल साइड से हैं, MBA हैं, या जो भी आपने पढ़ाई की है, आप सभी का स्वागत है। हम इसके बारे में, कैरियर के बारे में और बिजनेस के बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बातें हमें समझ लेना जरूरी है ताकि सवाल करने में और मुझे जवाब देने में और भी मजा आए। तो चलिए आज इसी पे चर्चा करते हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कुछ बेसिक बातों की, और इन बेसिक बातों को समझने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक किताब जरूर पढ़ें। जी हाँ, ये मैं किताब रिकमेंड कर रहा हूँ, आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, और निवेदन के साथ रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप साथ में एक पेंसिल जरूर रखें और इत्मीनान से पढ़ें। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे उस सबको नोट करें। अगर कोई डाउट हो, कोई मन में प्रश्न उठ रहा हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। ये वो ऑथर हैं जिन्होंने वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, एक बहुत PhD प्रोफेसर थे जो उनके स्वयं के पिता थे उनका, और एक पिता जिनको वो मानते थे, पिता स्वरूप जो उनके मित्र के पिता थे उनको मानते थे, जिनसे इन्होंने बिजनेस किया है वो सीखा। इन दोनों की तुलना की है, इन दोनों की सोच की तुलना की है कि एक पढ़ा लिखा आदमी क्या सोचता है और एक कम पढ़ा लिखा लेकिन बिजनेस का मास्टरमाइंड क्या सोचता है, दोनों में फर्क क्या है। उन्होंने इस किताब में जिक्र किया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा जाना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों को स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है या कॉलेजेस में जो शिक्षा दी जाती है, वो ज़्यादातर ऐसी है कि हम उसके बाद नौकरी के लिए तैयार होते हैं, अपना काम करने के लिए हम तैयार ही नहीं हो पाते। तो इस किताब में उन्होंने इस चीज को समझाया है कि हम अपना काम करने के लिए कैसे तैयार हों। इसलिए यह किताब आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही इन्होंने एक और हिस्टोरिक कैरेक्टर का जिक्र करते हुए हमको टैक्सेशन के बारे में समझाया। इन्होंने समझाया है, देखिए टैक्सेशन के बारे में मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं कि रॉबिनहुड एक कैरेक्टर हुआ करते थे अमेरिका में, जिन्होंने अमीरों से लूटा और गरीबों में बांटा। ये थॉट सभी को बहुत पसंद है। सन 1800 से पहले, मतलब 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, गवर्नमेंट्स या सरकारें या राजा टैक्स नहीं लिया करते थे। लोग अपने हिसाब से कमाते थे, अपने हिसाब से खर्च करते थे। हाँ, कभी वार स्टेज होती थी, युद्ध वगैरह होते थे, तो चूंकि पैसे की कमी राजकोष में कम हो जाती थी, तब वो कुछ लोगों से ले लिया करते थे। तो अमीर लोग ज़्यादा और गरीब लोग कम, ऐसा करके अपना जो भी सहयोग दे सकते थे देते थे, क्योंकि वो उनके राष्ट्र और उनकी मातृभूमि का सवाल होता था। उसके अलावा कोई कर नहीं होता था, थोड़ा बड़ा कुछ चीज़ों पर लगता था और बाकी सब जिंदगी ऐसे ही आराम से चलती थी। लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते तक ये स्थिति बदल गई और अब प्रायः कई तरह के टैक्स लगने लगे हैं। मेरी जानकारी में अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैं CA से बात कर रहा था, तो उनका कहना था 100 से अधिक कर लगते हैं हम लोगों पे। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से पूरी दुनिया में आजकल सब जगह पे डेमोक्रेसी है और इस तरह की सरकारें हैं और सभी कई तरह के टैक्स लेती हैं, लेकिन इस टैक्स का इम्पैक्ट जो हमको दिखता है एक्चुअली वैसा होता नहीं। हमको लगता है कि अमीरों को ज्यादा कर देना पड़ रहा है क्योंकि उनका परसेंटेज ज्यादा है, और गरीबों को कम टैक्स देना पड़ रहा है, मिडिल क्लास को बीच का टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन सच ये नहीं है।
वो इस किताब में इस चीज को स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि टैक्सेशन का हमेशा असर गरीब पे पड़ता है और उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो होता है रिवर्स इंपैक्ट वो मिडिल क्लास पे पड़ता है, अमीरों पे तो ये लगभग न के बराबर है। इसका क्या कारण है इस किताब में आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये मैं किताब आपको रिकमेंड कर रहा हूं। वर्ल्ड फेमस ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि हवाई मूल के हैं और अमेरिकन हैं। इनकी एक बहुत वर्ल्ड फेमस किताब है बेस्ट सेलर रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड। ये देखिए मैंने अभी आपको दो वर्सन दिखाए, एक ये है इंग्लिश और ये है हिंदी, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये भारत की लगभग 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें सारी प्रमुख भाषाएं हैं मराठी उड़िया तेलुगु मलयाली कन्नड़ और जो भी हैं असम बांग्ला, यानी प्राय प्राय उर्दू, प्राय प्राय सभी भाषा में ये उपलब्ध है। और आप इसको जरूर पढ़ें और इत्मीनान से पढ़ें, नोट्स बना के पढ़ें और जो भी डाउट आ रहा है उस पर अपन डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा। और मेरा विचार है कि इस सबसे आपको सबको बहुत फायदा होगा और हम निश्चित रूप से अपनी लाइफ में एक निश्चित मुकाम हासिल कर पाएंगे। मेरी ढेरों सारी शुभकामना आपके लिए और साथ में एक निवेदन कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे जरूर लाइक करें, मन में कोई शंका है तो जरूर कमेंट करें और सवाल करें। और मेरे चैनल को यदि अभी आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। शुभकामना, वंदे मातरम।